Hey everyone, welcome back to the channel. I hope you guys are doing extremely well. So last कुछ दिनों से एक question repeatedly मेरे inbox पे आ रहा है कि भैया placement 3-4 महीने में या फिर भैया switch के लिए देख रहे हैं, please give us a roadmap so that we can cover everything and tell us कहाँ कहाँ से पढ़ना है. So I've been telling people on loop कि ये कर लो, इधर से कर लो, इतने span में हो जाना चाहिए, ये वाले tricks follow कर लो. So एंड ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेडली आ रहा है क्योंकि प्लेसमेंट सीजन इज कमिंग बैक. सो आई थॉट इंस्टेड ऑफ सेइंग एवरीवन इंडिविजुअली, व्हाई डोंट आई मेक अ रोड मैप फॉर 90 डेज वेयर आई विल शेयर यू एक प्रॉपर टाइमलाइन जिसको आप फॉलो कर सकते हो. ऑल्सो आई विल बी शेयरिंग यू सम रिसोर्सेस सो दैट आप उधर से, मतलब आपको खोजना ना पड़े, ट्राइड एंड टेस्टेड रिसोर्सेस है, आप उसको फॉलो करके ईजिली 90 डेज पे जो इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, मैं SD2 का इंटरव्यूज नहीं बोल रहा हूँ, SD1 एंट्री लेवल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल्स में जो पूछे जाते हैं इंटरव्यूज पे, विच इज स्पेसिफिकली DS Algo, प्रोजेक्ट्स, कोर सब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये चार चीज़ें पूछे जाते हैं. तो मैंने उनके रिसोर्सेस एंड एक प्रॉपर टाइमलाइन बना दिया है सो दैट अगर आप रिलीजियसली इस टाइमलाइन को फॉलो करो, आई थिंक यू शुड बी मोर देन रेडी टू क्रैक एनी ऑफ द इंटरव्यूज एट एनी ऑफ द पॉपुलर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज लाइक Amazon, Microsoft, Flipkart और एनी ऑफ द स्टार्टअप्स लाइक Swiggy, Ola, Zomato, Paytm, etc. कुछ भी बोलो इंडिया में यू कैन ईजिली क्रैक. ठीक है, सो यार इसी के बारे में वीडियो होने वाला है, प्रॉपर टाइमलाइन देने वाला हूँ. सो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं. सो आपको रोड मैप स्क्रीन पर दिख रहा होगा एंड मैं इस अजम्पशन पे इस रोड मैप को बनाया हूँ कि आपको कोई भी एक लैंग्वेज का बेसिक्स आता है. बेसिक्स बोले तो आप लेट्स से C++ हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, आपका इसका आपको इसका बेसिक्स आना चाहिए. जैसे एरे का रिवर्स कैसे होता है, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे कैसे निकालते हैं, स्टैक आना चाहिए, क्यू आना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको आना ही चाहिए. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको एकदम टफ क्वेश्चंस ऑन स्टैक आना चाहिए, बेसिक आपको हर चीज़ का मालूम होना ही चाहिए. ठीक है, तो उसके बेसिस पे ही रोड मैप बनाया 90 डेज. तो पहला जो 45 डेज है आपका, जो मेरा एक ही गोल है, मैं DSL को स्ट्रॉन्ग करूंगा. एंड वो करने के लिए आई ऑलवेज बिलीव कि आपको ऐसे सेट ऑफ क्वेश्चंस करने हैं जो आपने कभी किए नहीं है. लाइक अगर मुझे बाइनरी सर्च आता है एंड मैं फिर बाइनरी सर्च करूंगा तो क्या मैं कुछ सीखने वाला हूँ? ऑब्वियसली नहीं. तो अगर मैं बाइनरी सर्च के वो सवाल करूंगा जो मेरे से बनेंगे नहीं तो ही ना मैं सीखूंगा. तो दैट्स वेयर आप स्ट्राइवर वाला SD शीट कर सकते हो. ये वाला SD शीट मैंने एक साल पहले, अरे 1.5 साल पहले बनाया था एंड ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया. अगर आपको इसके सक्सेस स्टोरीज चेक करने हैं आप मेरे इंस्टाग्राम हाईलाइट पे जा सकते हो एंड हज़ारों मतलब 500,000 सक्सेस स्टोरीज तो आराम से आपको मिल ही जाएंगे. तो SD शीट पे क्या है, SD शीट पे आपको सारे टॉपिक्स के डे वाइज सॉल्यूशंस, डे वाइज ऐसे प्रॉब्लम्स मिलेंगे जो प्रॉब्लम को आप जब करके, मतलब जब आप सबमिट करोगे ना, आपको लगेगा यार ये प्रॉब्लम करके आज मैं कुछ तो सीख के जा रहा हूँ. एंड हर एक प्रॉब्लम आपसे बनेगा नहीं एंड इसीलिए ये SD शीट में, सो दैट आप, क्योंकि अगर आप ऐसा सवाल कर रहे हो जो आपसे नहीं बन रहा है, इवेंचुअली यू विल लर्न समथिंग. एंड 180 सवाल है, सारे सवाल को ऐसे आप फ्लो में करते जाओगे तो इवेंचुअली एवरी प्रॉब्लम विल टीच यू समथिंग. एंड आई मेड श्योर दैट ऑल द टॉपिक्स हैव बीन कवर्ड. एंड अगर आपको कोई भी टॉपिक पे वीडियो सॉल्यूशन चाहिए, जैसे रिकर्शन हो गया, तो मैंने प्रॉपर C++ जावा कोड भी दिया हुआ है, प्रैक्टिस लिंक भी दिया हुआ है, वीडियो सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी जस्ट इन केस यू आर स्टक एंड आपको कोई भी पेड रिसोर्स देखने की जरूरत नहीं है. सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू इन 45 डेज. नाउ एक बहुत कॉमन डाउट लोगों में आता है कि स्ट्राइवर सवाल तो कर लेते हैं, लेट्स से आज मैंने एक सवाल किया एरे पे, बट जब मैं उसको 50 दिन बाद वापस उस सवाल को आके देखता हूँ एंड मैं भूल जाता हूँ. फेमस सवाल है बट मैं भूल जाता हूँ एंड कल को इंटरव्यू में पूछा तो आई डोंट रिकॉल इट बिकॉज इट्स एन एल्गोरिथम. इफ आई नो आई नो, इफ आई डोंट नो आई डोंट नो. मतलब अगर मेरे दिमाग से निकल गया तो मैं उसको वहाँ पे बैठ के डिराइव तो नहीं कर सकता हूँ. तो इसका मैंने जो अपने टाइम पे फॉलो किया था, मैं आपको नेक्स्ट चीज़ पे वो चीज़ लिखाऊँ. यू हैव टू मेक ए नोट पैड, नोटबुक या नोट पैड कुछ भी बना लो, ठीक है. एंड हर एक जो सवाल कर रहे हो क्या करना है, उस क्वेश्चन को 2 लाइन में लिख दो एंड बुलेट पॉइंट्स बना के अप्रोच लिखो. ऐसा नहीं कि स्टेप 1 में ये लूप चलाओ, छोटा सा एक ऐसा अप्रोच लिखो सो दैट आप वापस पढ़ोगे तो फटाफट रिकॉल हो जाएगा, ठीक है. एंड उसके बाद प्रॉपर पूरा कोड लिखने का जरूरत नहीं है, इनपुट आउटपुट छोटा सा फंक्शनल जो सूडो कोड होता है ना उसको लिख दो, ठीक है, और नीचे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिख दो. तो ये आपको एक पेज पे सेट कर देना है. एंड आपको क्या करना है, आप जैसे SD शीट हर दिन सॉल्व कर रहे हो, जैसे आज मैंने 4 सवाल किए, 4 सवाल मैंने नोटपैड पे लिख दिए, कल सुबह उठूंगा मैं, मेरा पहला काम है वो 4 सवाल रिवाइज करूंगा, फिर नया 4 सवाल करूंगा, ठीक है. पूरे दिन 4 किए, फिर नोटपैड पे लिख दिए, 8 सवाल हो गया. नेक्स्ट दिन उठा, फिर 8 सवाल रिवाइज किया, नेक्स्ट और 4 किए, फिर 4 लिखे, 12 हो गया. तो ऐसे करते करते पाइलअप करते होंगे, नोटपैड बड़ा हो जाएगा एंड इवेंचुअली आप नोटिस करोगे जो
आप अगर डेली रिवाइज करोगे ना, आपको ना ऐसे लगेगा, अच्छा ये सवाल, अरे ये तो ऐसे होगा, अरे ये ऐसे होगा, अरे ये ऐसे होगा, एंड इवेंचुअली आपका हर सवाल ना यहाँ बैठ जाएगा। एंड जब आप हर दिन रिवाइज करते हो ना, तब आप एल्गोरिथम्स को और अच्छे से समझते हो। होता है ना, कुछ कुछ पार्ट आप नहीं समझ पा रहे हो, जब रोज़ रिवाइज करोगे ना और उसको अच्छे से जानोगे, एंड कोई भी डिफरेंट क्वेश्चन आ गया ना, यू कैन ईजिली टैकल। सो आपको यही करना है, हर दिन सुबह उठना है एंड रिवाइज। एक मोमेंट ऐसा आएगा कि पूरा यार 180 सवाल कैसे रिवाइज करूँगा एक दिन में, ट्रस्ट मी ये वाला चीज़ होगा। अच्छा ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, हार्डली 10-15 मिनट लगेगा रिवाइज करने पे, अगर आप हर दिन कर रहे हो। ठीक है, दैट्स हाउ यू स्ट्रेंथन योर DS एल्गो। ठीक है, ये तो आपको 45 डेज करना ही करना है। इसके साथ एक चीज़ यहाँ पे मेंशन नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। लीड कोड पे वीकली कॉन्टेस्ट होता है, ठीक है, कोड स्टूडियो पे फ्राइडे कॉन्टेस्ट होता है, और लीड कोड पे बाई वीकली कॉन्टेस्ट होता है। ये तीन कॉन्टेस्ट ऐसे हैं जहाँ पे इंटरव्यू सेंट्रिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको ये तीन कॉन्टेस्ट रिलीजियसली देना है, लीड कोड का वीकली, बाई वीकली, और कोड स्टूडियो का फ्राइडे कॉन्टेस्ट। ठीक है, ये सारे सवाल इंटरव्यू सेंट्रिक होते हैं, तो आप देते रहो, देते रहो, हर दिन देते रहो, आज से ही देते रहो, आपको आता नहीं है तब भी देते रहो, कुछ ना कुछ सीखते ही रहोगे हर कॉन्टेस्ट से। कॉन्टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, तो देते रहना। ठीक है, तो ये तो गया फर्स्ट 45 डेज, तो DSL को अपन ने कवर कर लिया SD शीट सॉल्व करके। सो बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, आई लव टू थैंक द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो विच इज कोडिंग निंजास। कोडिंग निंजास इज इंडियाज लीडिंग एडटेक प्लेटफॉर्म। अगर आपको DSL का कोर्स चाहिए, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का चाहिए, मशीन लर्निंग का चाहिए, डेटा एनालिटिक्स का चाहिए, वेब डेवलपमेंट का चाहिए, एंड्रॉइड डेवलपमेंट का चाहिए, आप बस नाम बताते रहो। अगर आपको कोई भी कोर्स टेक्निकल फील्ड में चाहिए, यू कैन डेफिनेटली चेक आउट द कोर्सेज एट कोडिंग निंजास। व्हाई कोडिंग निंजास? बिकॉज इनके जो कोर्सेज होते हैं वो बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड होते हैं, सो दैट आपकी जो लर्निंग की पाथ हो उस पर कोई भी दिक्कतें ना आए। एंड ऑल्सो द कोर्सेज आर वेरी वेल क्यूरेटेड, बिकॉज दीज कोर्सेज आर प्रिपेयर्ड बाय पीपल हु हैव बीन एट IITs एज वेल एज स्टैनफर्ड, एंड बाय द पीपल हु हैव बीन एट Amazon, Facebook एंड Google। नाउ इफ यू डोंट बिलीव इट, यू कैन चेक आउट द Facebook एज वेल एज द Google रेटिंग ऑफ कोडिंग निंजास। The best thing about them that I find personally is the doubt resolution time. Like the average doubt resolution time in the last 1 year has been 10 minutes. Like if you're raising a doubt, it gets solved within 10 minutes. So that's the amazing, like that's the most amazing thing that they do provide. So if you are looking out to buy any of the courses, you can check out the link in the description. You can easily get an additional 20% discount on whatever price that has been going around. So guys, make sure you check out Coding Ninjas. The link will be in the description. नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट कम्स अप प्रोजेक्ट। अब मेरे से बहुत लोग बोलते हैं कि है प्रोजेक्ट, अगर है तो बढ़िया बात है, अगर नहीं है तो क्या करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों के पास प्रोजेक्ट होता नहीं है। तो मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ कि एक प्रोजेक्ट बनाओ, फुल फ्लेज्ड बनाओ, बड़ा सा बना लो, वो सफाइस कर जाएगा, या फिर एक बेसिक बनाओ, एक बड़ा बना लो, वो भी सफाइस कर जाएगा, 6-7 प्रोजेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर आपके पास टाइम कम है तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन जस्ट गो टू Udemy एंड आप कोई भी कोर्स डेवलपमेंट पे उठा सकते हो। लाइक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ डेवलपमेंट, अगर आपको मशीन लर्निंग पे उठाना है, कोई भी और चीज़ पे उठाना है, यू कैन डू दैट एज वेल। सो आप आराम से वहाँ से एक कोर्स उठाओ, वो वाला कोर्स करो, एंड Udemy पे हर कोर्स पे एक स्पेशलिटी है कि वो एक फुल फ्लेज्ड प्रोजेक्ट कराते हैं, एंड आप उस प्रोजेक्ट पे क्या कर सकते हो, कुछ अपने फीचर्स हो गए, कुछ चेंजेस हो गए जो आपके दिमाग में आ रहा है, आप ऐड कर लो, फिर वो प्रोजेक्ट बन गया ना एक फुल फ्लेज्ड प्रोजेक्ट। 30 दिन इस पर इन्वेस्ट करो, रिलीजियसली 30 दिन इन्वेस्ट करो। 30 दिन में लेकिन एक चीज़ ज़रूर करना है, हर दिन सुबह SD शीट रिवाइज करना है, सो दैट DSL का टच ना छूटे, एंड 30 दिन पे जितने भी कॉन्टेस्ट फ्राइडे सैटरडे संडे हो रहे हैं, हर एक तो इंटरव्यू कॉन्टेस्ट देना है, दैट इज़ फॉर श्योर विच आई विल डू। ठीक है, एंड मैंने यहाँ पे 5 लिंक दे दिए हैं, Node.js, Springboard, Angular, React, Full Stack, आपको जो भी करना है आप प्रॉपरली देख लो। आपको अगर लग रहा है कि फ्रंट एंड में एक प्रोजेक्ट बना लूँगा, या फिर आपको लग रहा है फुल स्टैक करूँगा, या फिर लग रहा है बैक एंड करूँगा, जो भी आपको सही लगे, आपका इंटरेस्ट जिस भी चीज़ पे हो, आप उस चीज़ को कर सकते हैं। मेरा इंटरेस्ट बहुत बैक एंड में है, तो मैं बैक एंड प्रोजेक्ट्स बनाता हूँ। तो डिपेंड पर्सन टू पर्सन आपका क्या इंटरेस्ट है। 30 डेज इस पर इन्वेस्ट करना है। ठीक है, अब इसके बाद हो गया 15 दिन अपने पास बचते हैं, क्योंकि 45 प्लस 30 हो गए अपन के 75, तो नाउ वी आर लेफ्ट अप विद 15 डेज। तो 15 डेज को कैसे डिवाइड करना है, 15 डेज को मैंने क्या किया, पहले 4 दिन को डिवाइड किया है कि पहले 4 दिन पे DBMS पढ़ना है, क्योंकि जनरली इंटरव्यूज में क्या होता है कि DBMS के बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट गेट्स मास्टर्स का लगा दिया है, वीडियोज है 120, छोटे छोटे वीडियोज है, वीडियोज देखना है, नोट्स बनाना है, वीडियोज देखना है, नोट्स बनाना है 4 दिन। अब आप बोलोगे भैया 4 दिन में कैसे होगा, यार मैं जब सेमेस्टर के एग्जाम देता था ना, मैं 2 दिन में पूरा प्लेलिस्ट पढ़ता था पूरा, तो वैसे पढ़ना है, उस नज़रिया से पढ़ना है। ठीक है, आप 4 दिन की जगह 10 दिन लो, मुझे दिक्कत नहीं है, आपको ये प्लेलिस्ट पूरा कर लेना। अगर आप ये प्लेलिस्ट पूरा कर लोगे,
आई थिंक यू विल बी कवरिंग अप ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट इज गोइंग टू बी आस्क्ड इन DBMS, ओके. सिमिलरली नेक्स्ट फोर दिन आपको ऑपरेटिंग सिस्टम करना है, कंप्यूटर नेटवर्क्स करना है. अगेन मैंने प्लेलिस्ट लिंक कर दिया. एंड उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. आजकल मैंने देखा फ्रेशर्स से थोड़े बहुत ऊप्स के कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं. एंड हो सकता है आप C++ के हो, तो मैंने C++ का एक अच्छा सा प्रॉपर 1.5 घंटे का वीडियो और जावा का भी 1.5 घंटे का वीडियो अटैच कर दिया. कोई भी आप देख लो, आपका ऊप्स का कॉन्सेप्ट मतलब एटलीस्ट क्वेश्चंस आंसर्स करने के लिए हो जाएंगे. बट अगर कोई इंटरव्यू में लो लेवल डिज़ाइन पूछ रहा है, जो यूजुअली नहीं पूछा जाता है, उसके लिए आपको अलग से रिसर्च करके पढ़ना है. सो आई एम नॉट कीपिंग दैट. तो अगर आप ये सारे चीज़ 90 डेज में कर लेते हो या फिर 120 दिन में कर लेते हो, सारे चीज़ अगर आप रिलीजियसली फॉलो करते हो, एंड मेक श्योर हर चीज़ का नोट बनाना है, सो दैट अगर फ्यूचर में कभी इंटरव्यू आए तो आपको वापस पढ़ना ना पड़े, वीडियो ना देखना पड़े, आप ईजिली रिवाइज कर सको, ठीक है. और नोट्स को कंटिन्यूस रिवाइज करते रहना है, इंटरव्यूज देते रहना है, ठीक है. एंड और एक चीज़ है, दैट इज समथिंग नोन एज प्रैम्प, PRAMP. ये एक वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके मॉक इंटरव्यूज दे सकते हो, ठीक है. ट्राई गिविंग मोर एंड मोर मॉक इंटरव्यू सो दैट जो ओरिजिनल इंटरव्यू सिनेरियो है ना, उसको आप रेप्लीकेट कर पाओ. यू डोंट बी नर्वस व्हाइल यू आर गिविंग योर फर्स्ट सेट ऑफ इंटरव्यूज, ठीक है. ये भी करते रहना. और एक चीज़, कॉन्टेस्ट देते रहना. मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, प्लीज़ गिव कॉन्टेस्ट. हर एक कॉन्टेस्ट दो, लीड कोड वीकली दो, लीड कोड बाई वीकली दो, कोड स्टूडियो का फ्राइडे कॉन्टेस्ट दो. तीनों इंटरव्यू सेंट्रिक होते हैं. अगर और कहीं हो रहा है, GFG पे हो रहा है, तो उधर भी दे सकते हो. कहीं पे भी इंटरव्यू सेंट्रिक कॉन्टेस्ट हो रहा है, उसको देना है अगर आपका टारगेट इंटरव्यू है, ठीक है. दैट्स वॉट यू नीड टू डू इन 90 डेज. ये पूरे आर्टिकल का लिंक, SD sheet का लिंक, दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दूंगा. मेक श्योर करो, चेकआउट कर लो, SD sheet शुरू कर दो. एंड अगर कोई और क्वेश्चन आपको है, यू कैन रीच आउट टू मी एट माई Instagram ID. रात को 11 बजे के बाद जनरली टेक्स्ट करना, सो दैट आई कैन रिप्लाई. टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो, उधर भी मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ. सो ऑल दीज लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, मेक श्योर यू चेक दम आउट. एंड या इसी के साथ इस वीडियो को रैपअप करता है. मेक श्योर यू शेयर दिस रोड मैप विथ योर फ्रेंड्स. एंड या मिलते हैं किसी और वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.